राजू एक बहुत ही साधारण घर का लड़का था। उसके पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते थे और एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे, और झूठ से तो उन्हें सख्त नफरत थी। उन्होंने राजू को पढ़ने के लिए उस शहर के सबसे बढ़िया स्कूल में एडमिशन दिलवाया। वो दिन रात मेहनत करके स्कूल की फीस भरा करते और राजू दिन रात अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में लगा रहता। एक दिन स्कूल में उसकी गणित की टीचर ने उसकी कॉपी चेक की तो उसका कोई काम पूरा नहीं था। टीचर को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने राजू को खूब डांट लगाई। राजू, ये क्या, तुम्हारी कॉपी तो तुम्हारे दिमाग की तरह बिल्कुल खाली है, एक चैप्टर भी पूरा नहीं है। ये देखो बच्चों, हमारी क्लास के सबसे होशियार बच्चे की कॉपी। कॉपी देखकर सभी बच्चे उस पर हंसने लगे। और फिर टीचर ने कहा, मैं तुम्हारे पापा से शिकायत लगा दूंगी अगर कल तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ। राजू पापा से शिकायत की बात सुनकर परेशान हो गया। उसने तय किया कि आज वो बिल्कुल नहीं खेलेगा और खूब मन लगाकर अपना सारा काम पूरा कर देगा। स्कूल खत्म होने के बाद जैसे ही वो घर आया, उसकी माँ ने उसे बड़े प्यार से खाना खिलाया। राजू बेटा, आज मैंने तेरे मन पसंद की पूरी सब्जी बनाई है, आजा गर्मा गर्म खा ले। और खाना खा करके उसने स्कूल का काम करने के लिए जैसे ही किताब खोली, उसे नींद आ गई। शाम को जब आंख खुली तो वो सब भूल गया था, टीचर की डांट भी और होमवर्क भी। वो बाहर निकला और दोस्तों के साथ देर रात तक खेलता रहा। रात को थक हार के घर आया तो रोज की तरह खाना खाकर टीवी देखा और सो गया। सुबह देर तक सोता रहा और जल्दी से तैयार होकर स्कूल का गेट बंद होने से ठीक 10 मिनट पहले घर से निकला और मजे से स्कूल चला गया। उसे रास्ते में उसका दोस्त आकाश मिला। उसने पूछा, राजू तूने अपना होमवर्क कर लिया, नहीं तो मैडम आज फिर डांटेंगी। राजू ये सुनते ही सोचने लगा कि उसने तो होमवर्क किया ही नहीं है, अब वो क्या करे। डर के मारे उसके हाथ पांव कांपने लगे। वो स्कूल के गेट पर ही रुक गया और उसकी हिम्मत ही नहीं हुई वो स्कूल के गेट के अंदर कदम भी रख सके। वो गेट से दूर खड़ा हो गया और देखने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि आज गणित की टीचर स्कूल ही ना आए। तभी उसे गणित की टीचर स्कूल के गेट के अंदर जाती हुई दिखी। उसने सोचा कि यदि वो आज स्कूल गया तो टीचर उसे बहुत मारेगी और उसके घर पर भी पता चल जाएगा। तभी उसे एक आइडिया आया कि अगर वो आज स्कूल नहीं जाता तो उसे टाइम भी मिल जाएगा और कल तक सारा होमवर्क भी पूरा कर लेगा। बस एक बार गेट बंद हो जाए फिर वो आराम से घर वापस जा सकता है। और जैसे ही गेट बंद हुआ वो उल्टे पांव घर वापस लौट आया। माँ ने पूछा, क्या हुआ, वापस क्यों आ गया। राजू बोला, स्कूल जाने में लेट हो गया, गेट बंद हो गया था, चौकीदार ने जाने नहीं दिया, अब आज मैं घर पर ही पढ़ूंगा। माँ बोली, हाँ ठीक है, चल पहले नाश्ता कर ले फिर पढ़ लेना। राजू ने पेट भर नाश्ता किया और जैसे ही किताब लेकर बैठने वाला था उसे एक कटी पतंग दिखी। उसके पीछे बच्चे उसे लूटने के लिए दौड़ रहे थे। राजू को लगा कि पढ़ाई तो पतंग लूट के भी की जा सकती है, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। वो घर से निकला और पतंग के पीछे भागने लगा और कटी पतंग लूट ली। और फिर क्या था, कब दोपहर हुई कब शाम हुई उसे पता ही नहीं चला। शाम को जब पिताजी आए तो माँ ने बताया कि राजू स्कूल के लिए लेट हो गया था, इसलिए वो स्कूल से वापस आ गया। राजू बाहर से वापस आया तो माँ को पिताजी से स्कूल की बात करते हुए देखा। वो पिताजी के पास गया और बोला, हाँ पिताजी, लेट होने पर चौकीदार जाने ही नहीं देता और इतना भारी बैग लेकर मैं भाग भी नहीं पाता, अगर आप साइकिल ला दो तो मैं कभी लेट नहीं होऊंगा। पिताजी ने कुछ सोचा और बोले, ठीक है अगले महीने ला देंगे। बस इतना सुनते ही राजू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वो होमवर्क भूल भाल कर खाना खा के साइकिल के सपने देखने लगा और बिना होमवर्क किए सो गया।
सुबह जब माँ ने स्कूल के लिए उठाया तो उसे होमवर्क और टीचर की मार याद आई। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, कल की तरह आज भी गेट बंद होने का बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी मार लेगा। वो धीरे धीरे स्कूल के लिए तैयार हुआ और टहलता हुआ चल दिया। टाइम देखा तो गेट बंद होने में 5 मिनट बाकी थे। वो बहुत धीमे कदमों से स्कूल जाने लगा। आधे रास्ते ही पहुंचा था तो सोचने लगा कि जब स्कूल जाना ही नहीं है तो गेट तक भी क्यों जाऊं, और वो पास ही पेड़ के नीचे बैठ गया और 10 मिनट बाद घर की तरफ वापस लौट आया। घर पहुंचा तो पिताजी दरवाजे पर ही खड़े थे। ओहो, आज भी गेट बंद हो गया, अब तो साइकिल लानी ही पड़ेगी। पर कोई बात नहीं, मैं चलता हूं, आज चौकीदार से बात कर लेता हूं, वो जाने देगा। राजू ये सुनकर घबरा गया। वो बोला, पापा वो मानेगा नहीं, बाकी बच्चे भी वापस घर लौट गए। पर पिताजी ने एक न सुनी, राजू को अपनी साइकिल पे बिठाया और स्कूल पहुंच गए। गेट पर पहुंचे तो राजू ने देखा गेट अभी भी खुला है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उसे कुछ समझ ना आया, वो चोरों का सा मुंह लेकर स्कूल के अंदर चला गया। दोपहर को राजू जब स्कूल से वापस आया तो उसकी माँ ने उसे बताया कि तुम्हारे पापा ने घड़ी आधा घंटा आगे बढ़ा दी थी, उन्हें पता है कि कल तुमने झूठ बोला था। मोरल, झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती।